हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टू इजी एंड क्विक लो हेयर बन। इस हेयर स्टाइल को आप साड़ी या सूट किसी के भी साथ में इजीली कर सकते हैं, दोनों के ही साथ में ये परफेक्टली जाने वाला है। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं इस तरीके की वीडियोज़ डालूँ तो आपसे मिस ना हो और आप वीडियोज़ देख पाएँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें ईजिली अपने हेयर को कॉम कर लेना है, अच्छे तरीके से बालों को सुलझा लेना है। और इस वाले फर्स्ट लुक के लिए मैंने साइड मांग निकाली हुई है। साइड मांग में लो हेयर बन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर आपने लेयर कट लिया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कॉम कर लेना है अच्छे तरीके से अपने हेयर को और उसके बाद हमें एक रबर बैंड से यहाँ पे कर लेना है इसे सिक्योर, ताकि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं। आप चाहे तो बिना सिक्योर के भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। इसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है और जस्ट इस तरीके से इसे ट्विस्ट करते जाना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कुछ इस तरीके से इसे नीचे तक लेकर के आना है आपको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेना है इसे ट्विस्ट। राउंड राउंड करके आपको इसे घुमा लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ राउंड राउंड करके इसे घुमा लेना है और अंदर की तरफ इसे कर देना है। दूसरे रबर बैंड से फिर से इसे सिक्योर कर लेना है। और अब सिंपली हमने जो इसे सिक्योर किया था, हल्का सा मैंने लूज़ ही रखा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लचर लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ बात बताती चलूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे ब्लैक क्लचर यूज़ किया है। आप किसी भी ड्रेस को अगर आप पहन रहे हैं तो आप उससे मैचिंग क्लचर, क्लिप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल लगता है ये वाला और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट भी लगता है, आप देख सकते हैं। तो अब है बारी सेकेंड हेयर स्टाइल की। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें कॉम्बिंग कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने इसके लिए सीधी मांग निकाली है, साइड मांग नहीं। और सीधी मांग पे एक्चुअली जब आप साड़ी पहनते हैं तो सीधा वाला जो सीधा मांग जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप साड़ी पहने तो सीधी मांग में ये वाला लो हेयर बन बनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा। ख़ास तौर पर तब जब आप किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पूजा के लिए या फिर घर पर पूजा है तो उसके लिए आप ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर। इसके लिए सबसे पहले कॉम्बिंग करके और एक रबर बैंड से आपको इसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए सिक्योर कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं ले जाना है और बहुत ही ज़्यादा लो नहीं रखना है, जस्ट बीच का जो हमारा मीडियम साइज़ होता है हेयर हमारे सर का, जस्ट वहाँ पे इसे सिक्योर कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, और थोड़ा टाइटली इसे सिक्योर करना है और ऊपर से थोड़े से बालों को ऐसे खींच देना है, ताकि एक जो होता है ना फ्लॉलेस वाला वो वाला लुक आए हमारे हेयर पर। अब इसे सिंपली ट्विस्ट करना है, बट अपोजिट साइड में, जैसे हमने फर्स्ट हेयर स्टाइल में किया है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में। उसमें मैंने राइट हैंड को ऊपर रखा है और लेफ्ट हैंड को नीचे रखा है। इसमें मैंने लेफ्ट हैंड को ऊपर रखा है और राइट हैंड को नीचे रखा है। कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आप इस हेयर स्टाइल को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट वाले में मैंने जो चीज़ किया है, इस वाले में जस्ट उसके अपोजिट किया है। बस ये एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब सेम है। सिंपली इसे ऐसे ही ट्विस्ट करते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है नीचे तक, और जो नीचे का एक्स्ट्रा हेयर हमारा बच जाएगा इसे एक और रबर बैंड से हमें सिक्योर कर लेना है, ताकि ये खुले नहीं और हमारा हेयर स्टाइल ख़राब ना हो। इसे भी हमें जस्ट राउंड करके घुमा लेना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जो हमारा रबर बैंड होता है वो यूज़ किया है। आप बड़ा वाला रबर बैंड इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल धुले हुए बाल में बनाना है, ऑयली हेयर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद मैंने इसे एक प्यारा सा लुक देने के लिए ये रेड कलर का छोटा हेयर पिन यूज़ किया है। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास हेयर पिन अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। मैंने जस्ट इसको एक प्यारा सा लुक देने के लिए ये वाला हेयर पिन यूज़ किया है। ये दोनों हेयर स्टाइल में से आपको कौन सा वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपली मैंने थोड़ा सा अपना जो लेयर है उसे आगे की तरफ निकाला है, जस्ट जब हम साड़ी पहनते हैं या फिर कोई भी ट्रेडिशनली सूट पहनते हैं
हैं जैसे कि फेस्टिवल वगैरह में या पूजा वगैरह में, तो उसके ऊपर ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। आगे की तरफ आपका लेयर जो निकला रहता है दोनों ही साइड से, वो बहुत प्यारा लगता है। तो जस्ट थोड़ा सा मैंने इसे निकाल लिया है, इस तरीके का थोड़ा सा मतलब अलग जाता है, थोड़ा प्यारा भी लगता है। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ में, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप साड़ी या सूट दोनों के साथ में ये वाला हेयर स्टाइल ईजीली आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर से बोल रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल होगी ना आपके लिए, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे मिलूँगी फिर एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बस वीडियो को एंजॉय किया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।